है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले पूर्व सैनिकों का हुआ सम्मान। जांजगीर में कोरोना काल में लोगों की मदद करने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान विधायक नारायण चंदेल ने किया। इस सम्मान समारोह में जिले भर के पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में पहुंचे। यहां विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि कोरोना काल में पूर्व सैनिकों ने कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों की मदद की और आगे बढ़कर संकट के दौर में पूर्व सैनिकों ने काम किया। सैनिक रहते जिस जज्बे के साथ काम किया, आज भी उसी जज्बे से समाज की सेवा में जिले के पूर्व सैनिक तत्पर हैं। विधायक नारायण चंदेल ने पूर्व सैनिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे युवाओं को सेना में जाने से प्रेरित करें और उन्हें हर तरह से मार्गदर्शन दें, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। इससे युवा भी देश सेवा की ओर अग्रसर होंगे। विधायक ने कोरोना काल में समाज के हर वर्ग के लोगों को सहयोग और मदद देने के लिए पूर्व सैनिकों का बताया। भूतपूर्व सैनिक संघ जांजगीर चांपा का 9 वर्ष का मिलन समारोह था और कोरोना काल में जो हमने सरकार के साथ कंधे मिलाकर ड्यूटी दिए थे और सामाजिक कार्य किए थे, उसके लिए आज भूतपूर्व सैनिक के जवानों को विधायक नारायण चंदेल द्वारा प्रमाण प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज जांजगीर चांपा जिला के जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, इनकी जो कमेटी है, उनके द्वारा 9 वर्ष मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और पूरे ज़िले से जो हमारे भूतपूर्व सैनिक गण हैं वो यहाँ पर आए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। हर वर्ष इस प्रकार का कोई ना कोई कार्यक्रम पूर्व सैनिक कल्याण संघ के द्वारा किया जाता है। गत वर्ष इन्होंने यहाँ पर चिकित्सा शिविर लगाया था, स्वास्थ्य शिविर लगाया था और बड़े पैमाने पर पूरे ज़िले के सैनिक गण उसमें शामिल हुए थे, पूर्व सैनिक गण। और आज भी 9 वर्ष मिलन का एक कार्यक्रम है। जब हम सब लोग आपस में बैठते हैं और इनका आज भी हम जज्बा देखते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों के उत्साह में और वृद्धि होती है। सैनिक कल्याण संघ जो है, आज हम सब लोगों ने बातचीत में इनसे आग्रह किया है, जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, कि समाज के जो वर्तमान में नौजवान हैं उनको भी हम अधिक से अधिक संख्या में प्रेरित करें कि वो सेना में जाएं, वो देश की रक्षा के लिए वहाँ पर जाएं, अपना कुछ समय वहाँ दें और समाज में जो रचनात्मक गतिविधियाँ चलती हैं उनमें भूतपूर्व सैनिकों का पूरा सहयोग हो। अभी कोरोना काल में इस बात की हमें प्रसन्नता है कि जितने हमारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं सबने अपने अपने स्थानों पर शासन को, प्रशासन को पूरा सहयोग दिया, कोरोना योद्धा के रूप में इन्होंने काम किया और समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, इस विपत्ति काल में काम किया और ये बताया कि सेना का जवान आज भले ही वो सेना की मुख्य धारा में नहीं है लेकिन जहाँ भी हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सभी को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।